नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आपने यूपी टीजीटी या पीजीटी 2013 की परीक्षा में इंटरव्यू दिया है और आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आया है तो ये वीडियो आपको अवश्य देखनी चाहिए। यहाँ पर यूपी टीजीटी और पीजीटी के कट ऑफ जारी करके काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया गया है जो वेटिंग लिस्ट में आए हुए थे। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। इस संबंध में कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2020 को एक विज्ञप्ति जारी की गई है। देखिए, टीजीटी और पीजीटी में जब चयन अभ्यर्थियों का होता है तो यहाँ पर कुछ वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट अन्य कहीं जॉब करने लगते हैं और उनको अच्छी जॉब मिल जाती है तो वे यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हैं, जिस कारण उनका पद खाली रह जाता है। ऐसी दशा में वेटिंग वाले कैंडिडेट जो होते हैं उनको उन पदों पर नियुक्ति दी जानी होती है। इस संबंध में यहाँ पर एक याचिका दायर की गई थी और उसी का अनुपालन करने के लिए यहाँ पर विज्ञापन संख्या 1/2013 के सापेक्ष जो चयनित कैंडिडेट थे उन्होंने कार्यभार नहीं ग्रहण किया था, इसलिए जो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट थे उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है काउंसलिंग के लिए। और उन कैंडिडेट को यहाँ पर वर्ग एक और वर्ग दो यानी कि बालक वर्ग और बालिका वर्ग में यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है और विषयवार यहाँ पर कट ऑफ जारी कर दी गई है। जिस कैंडिडेट को जिस तिथि को बुलाया गया है वे कैंडिडेट प्रातः 10 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य वो अपने समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी तथा आरक्षण संबंधी मूल प्रमाण पत्रों के साथ में आना है। साथ ही साथ उसकी एक स्वप्रमाणित छाया प्रति का भी सेट लेकर आना है और इनको उपस्थित होना है कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज में और यहाँ पर इनको व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है। और यदि ये कैंडिडेट इस तारीख को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो इनका यहाँ पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और इनका किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन जिन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उनकी कट ऑफ और उनकी सीटों की स्थिति आप यहाँ पर madhyamikshiksha.upsde.gov.in की साइट पर जाकर देख सकते हैं। आइए जानते हैं किस विषय की कितनी कट ऑफ गई है और कैंडिडेट को किस तारीख को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं बालक वर्ग में हिंदी विषय की। यहाँ पर सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ गई है 445.176 गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग की जो कट ऑफ है 438.7092 गई है। अनुसूचित जाति वर्ग की जो कट ऑफ है वो 404.5664 तक गई है। कला विषय की जो कट ऑफ है सामान्य वर्ग में 379.53 तक गई है। इसके साथ साथ जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी जो कट ऑफ है वो 370.9 तक गई है। अनुसूचित जाति वर्ग की जो कट ऑफ है वो 349.6 तक गई है। अनुसूचित जनजाति की जो कट ऑफ है वो 289.9 अंकों तक गई है। और इसके अलावा जो वाणिज्य वर्ग है वाणिज्य वर्ग में 442.53 तक गई है सामान्य वर्ग की कट ऑफ। अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ जो है वो 435 तक गई है। अनेक शिक्षा विषय की सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है वो 392.02 तक गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग की 389.52 तक गई है। और अनुसूचित जाति वर्ग की कट ऑफ 371.46 तक गई है। तो देखिए, हिंदी कला वाणिज्य और शारीरिक शिक्षा वर्ग के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 18 फरवरी 2020 को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। विज्ञान विषय की सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है वो 371.3336 तक गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग की 347.022 तक गई है। और अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ है वो 274.588 तक गई है। और इन कैंडिडेट को यहाँ पर 19 फरवरी 2020 को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। उर्दू विषय की जो कट ऑफ है वो सामान्य वर्ग में 331.70 अंक तक गई है। अंग्रेजी वर्ग की जो कट ऑफ है वो 373.6552 तक गई है सामान्य वर्ग की। अन्य पिछड़ा वर्ग की 360.8216 तक गई है। और अनुसूचित जाति वर्ग की जो कट ऑफ है वो 322.7568 तक गई है। इसके अलावा जीव विज्ञान विषय की जो कट ऑफ है वो सामान्य वर्ग की
417.8216 तक गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग की जो कट ऑफ है 412.6168 तक गई है और अनुसूचित जाति वर्ग की जो कट ऑफ है वो 391.9752 तक गई है। और यहाँ पर उर्दू, अंग्रेजी और जीव विज्ञान विषय की जो कैंडिडेट हैं उनको 20 फरवरी 2020 को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इसके बाद में जानते हैं कि गणित विषय के जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ सामान्य वर्ग की 358.95 तक गई है, पिछड़ा वर्ग में 341.92 तक गई है, अनुसूचित जाति वर्ग की जो कट ऑफ है वो 282.34 तक गई है। और यहाँ पर जितने भी गणित विषय के कैंडिडेट हैं उनको 21 फरवरी 2020 को काउंसलिंग के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। गृह विज्ञान विषय की जो कट ऑफ है वो सामान्य वर्ग के लिए 379.926 तक गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो कट ऑफ है वो 365.5688 अंकों तक गई है और अनुसूचित जाति वर्ग की जो कट ऑफ है वो 327.5692 गई है। सामाजिक विज्ञान विषय की सामान्य वर्ग की कट ऑफ 396.8856 गई है, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 388.432 गई है और अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ है वो 356.6084 तक गई है। साथ ही साथ संस्कृत विषय की जो कट ऑफ है सामान्य वर्ग में 424.78 तक गई है और ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 416.11 अंक तक गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर एससी वर्ग की जो कट ऑफ है वो 380.8225 तक गई है। और यहाँ गृह विज्ञान, सामाजिक विषय और संस्कृत विषय के जो कैंडिडेट हैं उनको 22 फरवरी 2020 को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। आइए अब वर्ग दो यानी बालिका वर्ग की बात करते हैं। तो बालिका वर्ग में हिंदी विषय की जो कट ऑफ है सामान्य वर्ग के लिए 439.176 तक गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 431.7776 तक गई है, अनुसूचित जाति वर्ग की जो कट ऑफ है वो 371.7456 अंक तक गई है। और इसके अलावा जो कला वर्ग की जो कट ऑफ है वो सामान्य वर्ग के लिए कोई सीट बची नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 370.20 अंक तक गई है, अनुसूचित जाति वर्ग की भी यहाँ कोई सीट नहीं बची है। हिंदी और कला विषय के जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए गए हैं उनको 18 फरवरी 2020 को काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है। विज्ञान विषय की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 311.416 तक गई है, सामान्य वर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग की कोई सीट नहीं है और अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ है वो 209.0004 तक गई है, इनको यहाँ पर 19 फरवरी 2020 को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। अंग्रेजी विषय की कट ऑफ महिलाओं की जो है वो सामान्य वर्ग की 360.9084 तक गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो कट ऑफ है 338.6736 तक गई है, अनुसूचित जाति वर्ग की जो कट ऑफ है वो 294.692 अंकों तक गई है। इसके साथ साथ जीव विज्ञान विषय की जो कट ऑफ है महिलाओं के लिए सामान्य वर्ग में 398.4304 अंकों तक गई है। यहाँ पर अंग्रेजी और जीव विज्ञान विषय के जो कैंडिडेट हैं उनको 20 फरवरी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। गणित विषय की जो कट ऑफ है सामान्य वर्ग के लिए 309.95 अंकों तक गई है, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 277.37 अंकों तक गई है और इन कैंडिडेट को 21 फरवरी को काउंसलिंग के लिए प्रतिभाग करना है। गृह विज्ञान विषय की जो कट ऑफ है वो सामान्य वर्ग के लिए कोई सीट नहीं बची है, अन्य पिछड़ा वर्ग की भी कोई सीट नहीं है, अनुसूचित जाति वर्ग की जो कट ऑफ है वो 322.2834 अंकों तक गई है। इसके अलावा संस्कृत विषय की सामान्य वर्ग में कट ऑफ 417.25 अंकों तक गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग की कोई सीट नहीं बची है, अनुसूचित जाति वर्ग की जो कट ऑफ है वो 340.9975 अंक तक गई है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान विषय की जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ है वो 367.2 अंकों तक गई है और इन सभी कैंडिडेट को 22 फरवरी 2020 को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। किस किस विषय में किस किस कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है इसकी सूची आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस विषय में किस किस कैंडिडेट को बुलाया गया है, सभी की विषयवार सूची यहाँ पर दी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर कॉलेज की सूची भी दी हुई है कि किस कॉलेज में किस विषय की किस वर्ग की सीट अभी रिक्त है, उसको भी आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के बाद में देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन अवश्य दबाइए।